मुल्क में बीजेपी के अहंकार को ख़त्म होना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह से सरकार चलाई है, यानी मीडिया से लेके ब्यूरोक्रेसी, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब पे मोदी जी ने बिल्कुल अपने हाथ में रख लिया है और मुल्क की हालत तबाह बर्बादी के कगार पे खड़ी है। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी से छोड़कर के शिवसेना अलग हो रही है, तो मुझे लगता है कि शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी को बैठ के बात करके कांग्रेस को शिवसेना को डायल्यूट करना चाहिए। जो शिवसेना का पहला मुद्दा था वो ख़त्म करे अगर वो, और पश्चाताप करती शिवसेना और जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ था, जो पर प्रांतियों के खिलाफ थी, उनकी चीज़ें वो ख़त्म करती है और आने के बाद तुरंत कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना मुसलमानों को रिजर्वेशन देती है, मुझे लगता है कि उसके साथ में सरकार बना लेना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सरकार अब बन जाएगी? नहीं, काफ़ी वक्त हो रहा है राष्ट्रपति शासन का। नहीं, अभी कहाँ, काफ़ी थोड़े दिन हुआ है, सरकार मुझे लगता है ज़रूर बनेगी। कल मीटिंग में मैं उसमें बात करूँगा कि कुछ भी करके सरकार बनाओ ताकि फिर 5 साल तक सरकार चले और इलेक्शन ना हो और डेमोक्रेसी के अंदर, लोकशाही के अंदर ये चुनी हुई सरकारें रहना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू विधायक बने हुए हैं, अब आने वाला वक्त बताता है कि आगे क्या होता है, सरकार कब बनेगी। साजिद कुरैशी, एडिटर, सुप्रिया टाइम्स।